लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी, शिकारपुर के अंदर डाकुओं ने दो उलामा को अगवा किया और गर्दन के अंदर जंजीरियां पहन के जानवरों की तरह उन्हें घसीटा। किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आपने उन तस्वीरों को देखा हो? मैं अल्लाह माफ करे किसी बच्ची के ऊपर या बच्चे के ऊपर तनकीद नहीं करना चाहता, अल्लाह की कसम जब कोई बच्चा या बच्ची अगवा होती है तो मजहबी तबका मौलवी आपके साथ मिलकर रोते हैं, लेकिन जब कोई मौलवी अगवा हुआ मेन स्ट्रीम मीडिया गुंगा बना रहा, किसी एक ने खबर ना चलाई, वो तो चंद दीनदारों ने फिर कंपेन की, सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन की, इत्तेजाज किया, हमारी नातवां आवाज भी उसमें शामिल हुई। सोमरू साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने लाड़काना के अंदर कलीदी किरदार अदा किया, और एसएसपी तनवीर ने बिलाहर अल्हम्दुलिल्लाह उन उलमा को भी परसों डाकुओं के पंजे से आजाद करवा लिया गया। मेरे भाइयों, सोशल मीडिया आपकी और मेरी ताकत बन चुका है, आपकी और मेरी आवाज बन चुका है। वो खबरें जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं चलाता, मैं और आप इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करके अपनी बात हुक्काम बाला तक पहुंचा सकते हैं। और आज आपने इसका इस्तेमाल करते हुए एक और बात भी हुक्काम बाला तक पहुंचानी है मेरे भाइयों।